अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वकार और हम एक बार फिर से बीटीएन चैनल की तरफ से, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं मेन नागन चुरंगी नॉर्थ कराची के अंदर और हम इस वक्त है नागन चुरंगी वो, और इस वक्त कंडीशन देख सकते हैं आप लोगों की कि पीछे क्या हाल है, पूरी पूरी गाड़ियां डूबी हुई हैं, बहुत ज्यादा बुरे हालात है। हम जगहों से जानने की कोशिश करते हैं कि उसको इन परेशानी में उन लोगों को किस तरह की जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोग फैमिली के साथ जा रहे आ रहे, कुछ लोग ऑफिस से गए थे। महकमे मौसम आपसे कहना यह था कि आज बारिश बिल्कुल मामूली होगी जबकि 105 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है, तो उसके ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर लोगों का रद्दअमल क्या, लोगों का रिएक्शन क्या और लोग क्या कहते हैं। तो चले हम लोगों से फीडबैक लेते हैं और किस तरह लोग यहाँ फंस कर अपनी गाड़ियों के साथ फैमिलीज के साथ हम पता करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं, हमने तो कराची वैसा कर दिया, काम तो कुछ नहीं हो रहा। दरअसल बात ये है, आपके सामने की बात है, मुसलसल एक महीने में 3 से 4 मरतबा इस तरह की बारिश हो चुकी है और आपके सामने हालात है वाकई बेहद। जैसे 3 दिन पहले भी ऐसी बारिश हुई और इससे ज़्यादा बदतर हालात थे और अभी भी कोई नाली की सफाई होने का भी कोई फायदा नहीं है, इनका कुछ काम कुछ नहीं हुआ, ये बस एक दिखावा हुआ है। असल में गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है वहाँ से, असल में गवर्नमेंट तो प्रॉपर कह रही है कि हम बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, हमारे जो लोग नुमाइंदे जो है वो पहले में यहाँ पर कोई आया, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी और इतनी देर में यहाँ पहुँचे? मैं अभी गोली मौत से आ रहा हूँ और मेरे को मुसलसल 1 घंटा हो गया, गाड़ी कहीं बंद हो रही है कभी चल रही है, काम हम नुमाइंदे को कोई काम नहीं कर रहे, बेसिकली फौज ही काम कर रही है। तो जब गवर्नमेंट के नुमाइंदे को बैठ के सैलरी लेके घर ही खाना है तो फिर ऐसे नुमाइंदे का क्या फायदा है, ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट अभी चल रही है कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का यही ताचुरा था कि अगर सब काम पाकिस्तान आर्मी ने करना तो फिर आप लोग अपनी सीटें छोड़ दें, लोगों का यही कहना, तो देखते लोग और क्या कहते हैं। अच्छा, और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, तो सर नवाज शरीफ से बाहर निकलें और कराची को भी देखें? जी, नवाज शरीफ जो भी, तो ये सबसे बाहर निकले, अपने मुल्क को देखें, मुल्क के हालात को देखें। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रिलीव होने वाला सिटी कराची है जो कि बेवसो बेहाल है बिल्कुल, और बाकी सब सिटीज में आपके बसें वैसे सारे सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फकीरों वाली हालत कर दी है, जो पूरा कराची पूरा पाकिस्तान को पाल रहा है वो बिल्कुल इस वक्त फकीर बना हुआ, पैसे होने के बावजूद भी ये फकीर है। तो ये इसके से बड़ी इमरान खान के लिए बेतकी वाली बात कोई नहीं है कि कराची का इस तरह पूरा हाल हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को जिस तरह बर्बाद करने में इन लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नागन के तासुरात क्या है, वो भाई फैमिली के साथ पिछले 1.5-2 घंटे से 1 घंटे से मुसलसल गोली मारते यहाँ पहुंचा, अभी आगे और जाना है। तो और कोई लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत शर्म कर लो, अभी इधर कोई इजला बनाने के चक्कर में लगे, कोई पैसे इकट्ठे होने के चक्कर में हमें पैसे में बुला, अपनी ड्यूटी को समझो और अपना काम सर अंजाम दो। आर्मी भी दो, उसको भी तो अपने उसका काम कही है, ये काम करना, ये काम जिम्मेदारों का है, सिटी गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी वाले जो भी कोई SCIC जिसका भी इंक्लूड है, वो अपने फर्ज रहने जाए ताकि आवाम को इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करे। कि गवर्नमेंट ने जो है सिंध गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है, और दूसरी सबसे बड़ी वजूहत ये कि ग्रीन लाइन को जितने नाले बंद किए हैं, इसकी वजह से आगे जो है बसें भी डूबी हुई है, तमाम गाड़ियों की छतों तक पानी है, हम लोग बड़े मुश्किल से जो है निकल के आ रहे हैं, एडवेज हम लोग यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लग गए हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, प्रॉपर सारा काम हो रहा, दिन रात लगे हुए हैं, सारे लोग हमारी नींदें खराब हो रही हैं, हमारे जो लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या कहिए, रोड देख के आपको लग रहा है कहीं से कि मतलब ये या तो ऐसा लग रहा है हम रोड से घर से बाहर निकलते हमें शायद सी साइड पर तोहफा दिया गया? ये तो जनाब आला, ये जो लोग बेचारे जो भी रोड पे अभी ये लोग नए आ रहे हैं वो इमरजेंसी में निकले हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी जो है निकलना आजाद हुआ, कहीं मरीज है, कहीं लोग जो है बीमारों को लेकर जा रहे हैं, और पूरा रोड जो है सत्यानाश हुआ है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है, बस ये समझ लें कि कश्तियाँ जो है वो चलने वाली है। आप कब से निकले हैं, आप कहाँ गए थे और कब से निकले हैं? हम हैदरी से आ रहे हैं, हैदरी से आते हुए हमें जो है यहाँ 2 घंटे हुए राजा चौरंगी पहुँचने में, इतना पानी है, ट्रैफिक अलहरा जाम है, ना कोई पुलिस है ना कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट को अगर आपको मैसेज देना चाहे तो क्या देंगे आप? गवर्नमेंट को बस मैसेज ये देंगे कि वो जो है शर्म के मारे डूब मरे और जो है गवर्नमेंट छोड़ दें, और ये वफाकी गवर्नमेंट को जो है यहाँ छोड़ दें ताकि हम लोगों के पास जो है आसानी हो, हम लोगों को आजाद में डाला हुआ कराची। असल में हमारे इमरान साहब को सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी है कि नवाज शरीफ को वापस लाओ, वो कराची की तरफ नहीं देख रहे, उनको ये हो रहा है कि नवाज शरीफ वापस लाए। अरे भाई, लोग यहाँ पे परेशान है, तकलीफ में, तो क्या समझते हैं, उनको नवाज शरीफ को देखना चाहिए या कराची को देखना चाहिए? पहली फुर्सत में और कराची को जो है प्रेफरेंस करना चाहिए, वो इसलिए
कि कराची के लोग जो है बेचारे उनकी कोई परेशान हाल नहीं है, कोई ना वफाकी गवर्नमेंट है और ना ही सिंध की गवर्नमेंट, जो मतलब आप देखें क्या असर हुआ है। तो भाई ये भाई अल्लाह भैया इस गवर्नमेंट से निजात दिलाए, ठीक है ये जहाज है वापस चले जाए कराची पर रहम फरमाए, कराची की आवाम पे, कराची पे एक लास्ट मैसेज को देना चाहें गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को या वजीर अला को, वजीर सिंह को या मेयर कराची को, मेयर कराची को डूब मरे, ठीक है। और इमरान खान साहब यहाँ से माशाल्लाह कौमी असेंबली की नशीद जीत चुके हैं, आलम जो है नगरस्थानी गैराज के ऊपर कराची के ऊपर, तो उनके बड़ी जैसे कि आप लोग देखेंगे लोगों का तासुर है कि लोग सिर्फ अब अपील कर रहे हैं आर्मी चीफ से कि वो जो है रिक्वेस्ट करें लोगों की मदद करें हेल्प करें, इसी तरह लोगों से और मालूम करते हैं ये भाई भी जमहूरी गवर्नमेंट तो होनी नहीं चाहिए, इस मुल्क को फौजी हुक्मरान होने चाहिए और फौजी इसको संभालेगी। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद भाई आप मतलब बारिश में निकले हुए हैं, गवर्नमेंट की ने जो तोहफा दिया हमें ये देखने के लिए निकले हैं, या मतलब आप भी हमारी तरह लोगों की तरह बच्चे देखने के लिए निकले? बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आप लोग निकले। आप यकीन करेंगे हम लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी उसमें भी 3 बज गए थे, हमारे लोगों की हेल्प करते थे। बिल्कुल ठीक है ना, अब आवामी कर सकती है भाई, ना गुमनाम कर सकते हैं ना माशाल्लाह हमारे जो नाटे करते करते हैं भाई लोग। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं कि अगर अभी ये जो आवाम गवर्नमेंट कह रही है कि हम काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि काम कर रही है गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कौन सा काम कर रहे हैं? जो देखे आप जो अपनी फैमिली वाले बच्चे होने आप भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उनको बताना चाहेंगे गवर्नमेंट को? भाई देखे यार भाई आपको भी पता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ऐसी है पूरा कराची जिला रहा है, ठीक है जिसमें चाहे PTI हो MTM हो पीपल्स पार्टी हो यार ये सब यही है, ठीक है लावारिस कर दिया है कराची को मेरे भाई, कराची का कोई भी नहीं है, कराची जो आवाम खुद कर लेना अब वही होगा, या तो कोई ऐसा निजाम करें या सूबे का कोई सिस्टम चलाएं, सूबे का कोई सिस्टम चलाएं कोई ये, या तो कोई दिव्यांगों को नया इलेक्शन तो ऐसे है जो यहाँ के रिहायशी। आपको क्या लगता है इससे पहले जो गवर्नमेंट नवाज शरीफ का वो सही थी या उससे पहले PP की थी वो सही थी, PTI इस वक्त सही काम कर रहा है? आपको दिल की बात बताऊँ, जो पहले मुशरफ का दौर था ना वो सबसे बेस्ट, इसलिए कि MPM की हुकूमत थी उनको अख्तियार बहुत थे, ठीक है उनके फंड उनको फंड की माशाल्लाह पति के साथ में बहुत हुआ। नो डाउट, देखिए इसमें लोगों का कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम किसी भी तंजीम की सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब तक MPM की चीजें थी लोगों के पास अख्तियार थे, जो ईद पर आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी थी, कोई उठाने वाला कोई पाकिस्तान के अंदर कराची का कोई भी वली वारिस है ही नहीं, हम लोग सिर्फ लवारिस की तरह जी रहे, कोई गवर्नमेंट नहीं हमारी तरफ देख रही है, लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, ये भाई भी जो है वो खुद काम कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए, देखते हैं और लोग कितनी परेशानी से निकले। तो एक आखिरी मैसेज जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें शायद हो सकता है कि हमारी आवाज़ सुनना सुने आप भी सुन ले वो। मैं इमरान खान से सब इतना ही कहना चाहूँगा बॉस कि अल्लाह के वास्ते कराची वालों के लिए रहम करें, क्योंकि आपके जो MPMN माशाल्लाह कराची को कराची वालों ने आपको वोट दिया है, ठीक है आपको आजमाने के लिए आपकी बातों की वजह से, लेकिन आप लोगों ने अफसोस के साथ किया कराची वालों के लिए, कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सही, देख रहे हैं किस तरह लोग जो है वो, ये मेरे भाई काशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, किस तरह लोग तकलीफ में, हम कोशिश करेंगे कि और आगे जाए, लेकिन पानी और बारिश की वजह से हम लोग खुद जो है हमारी टीम, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, अगर कराची अलग भी होता है तो भाई लोग तो यही लोग होंगे ना, जो भी आएंगे यही लोग होंगे ना जिन्होंने 70 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, मैं बेसिकली MPM की बात करूँगा, ठीक है ना, हम भी मैं आ गई हूँ, मैं जो पूछती की हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी तकलीफें दी हैं, ये काम के मुताबिक पूरा नहीं होता, क्योंकि जो हम लोग फलाई काम कर रहे हैं, लोगों की बाइक बंद हो रही है, धक्का लगा रहे हैं और उनको यहाँ से निकाल लें, बाइक बंद हो रही है, यहाँ पर रहते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लें किस तरह लोग यहाँ पर अपने घर छोड़ पा रहे लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए जो लोग निकले, लेकिन गवर्नमेंट को उस चीज का नजर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट सिर्फ सो रही है और अपने घरों के अंदर बैठी हुई है। एक अवामी नुमाइंदा नहीं आया सुबह से यहाँ पे हम लोग, कोई चक्कर लगाने राउंड भी नहीं आया कोई, के देखें यहाँ पे आर्मी काम कर रही है हमारी, वो पानी निकाल रहे हैं वहाँ से, और वालों ने बिल भेजा आज रात देखे और बिल को भरना जरूरी है, ये देख रहे हैं बारिश के अंदर भी आधा आधा पानी पूरे किस तरह ये लोग निकले हैं, और के इलेक्ट्रिक का पानी, एक के इलेक्ट्रिक, दूसरा हमारी गवर्नमेंट, क्या लगता है गवर्नमेंट काम कर रही है? नहीं कोई काम नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है दिन काम कर रहे हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ भाई टाइम में, नॉर्थ कराची से यहाँ नागन तक आप कितनी देर में पहुंचे? मैं यहाँ तक तकरीबन 2 घंटे में पहुंचा हूँ। ये देख रहे हैं कि आप नॉर्थ जो कि नॉर्मल डे में हम आई थी 1 से 2 मिनट का जो है वो बाइक के ऊपर राइड है, और अब जो है वो 1.5 घंटे में सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, तो देखते हैं और लोग अगर जानते, कोई एक आखिरी मैसेज जो गवर्नमेंट को देना चाहेंगे आप, इमरान खान साहब को शायद आप भी सुन ले वो।
नहीं वो तो सुनने होते तो पहले सुन लेते हो। उन्होंने सुनाने के लिए आया और सुनने के लिए आया। उन्होंने बोला ना कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और हमारे भाई बारिश में नहाने निकले थे, क्या कहेंगे भाई आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को? इमरान खान साहब को क्या बोलेंगे आप? इमरान खान को सबको पहले मैं सलाम करता हूँ, सलाम आपको सलूट है, बिल्कुल भी मेरी तरफ से नहीं, आगे पे किसी की भी तरफ से बिल्कुल भी नहीं। वोट मांगना अगली दफा तो यूं मांगना, यूं मत मांगना, यूं मांगना यूं, ये बढ़िया तो यूं मांगना। आवाम देगी आगे, तुम नहीं दोगे किसी को कुछ, आवाम देगी आगे। आगे पानी देखा तुमने? नहीं देखा। पहले जेबे तो भर लो, जेबे तो भर लो, फिर बाहर आओ यहाँ से। नहीं तो इमरान खान साहब को लेकर हम काम कर रहे हैं, नया पाकिस्तान आपको लेकर। ये क्या है, ये दरियाए सिंधिया पे कैसे बना? कौन बोलता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ की जो यहाँ की जो हवा बिल्कुल सही कह रही है कि यहाँ पर और कोई इदारा कोई काम कर रहा है, कोई तंजीम पीपल्स पार्टी है? लोग काम कर रहे हैं, ये चौड़े चौड़े लोग नाले तो खोद रहे हैं, जो गलियों के नाले वो कौन खोदेगा? हम खुद को देंगे या अपनी जेब से निकाल के देंगे? उन्होंने हमारी जेब खाली तो कर दी है, अब जो दो के सिक्के बचे ना वो चार हम मोदी उनको निकाल के दे दें। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं मतलब क्या, मतलब आप लोगों की रहस्य क्या है यहाँ पर, किस नहीं आया क्या लोगों की हेल्प करने? अक्सर लोग मैंने देखे यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो लोगों की हेल्प करने, लेडीज के दिन की गाड़ियां बंद हो गई हैं, जो यहाँ के रहस्य है वो सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए आए। तो आपके अलावा बाकीदारों को कहना चाहिए, आप क्या समझते हैं? कहना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए, इसका कोई घर पे आए और घर के आगे वाइपर दे, यहाँ की हुकूमत को दिखाए कि हम वाइपर दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह भाई,